So students, I am your principal sir. Once again, back with chapter 2. The name of the chapter is Varying Lifestyle in Animals. मतलब जानवर का जो जीवन शैली है उसका कैसे परिवर्तन आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ कि the purpose of this video is आपको घर में स्वस्थ रह के पढ़े बोल के हमने लोगों ने ये वीडियोस बनाए हैं. तो वीडियो बनाने का उद्देश्य हम लोग का ये था कि आप लोग इसको देखें. बट आई फाइंड दैट बहुत कम बच्चे वीडियो को देख रहे हैं. आपको वीडियो देखना है और दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए इंस्पायर करना है. हम लोग ने इतने मेहनत करके आप लोग को वीडियो बना रहे हैं. एडमिन सर खुद जो मैनेजर सर है वो खुद इतने मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, बहुत हेल्प कर रहे हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी हमें मदद करिए ये वीडियो देखने में आप, और दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करें. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेयरिंग लाइफ स्टाइल इन एनिमल्स. वी फाइंड एनिमल्स एवरीवेयर इन वाटर ऑन लैंड इन और एयर ऑन ट्रीज एक्सेट्रा. मतलब हम लोग को जानवर कहीं भी मिल सकता है, पानी में, जमीन में, हवा में और पेड़ों में. द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स एंड सर्वाइव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. नेचुरल सराउंडिंग उसका जो प्राकृतिक क्षेत्र है. इन विच ऑल एन एनिमल लिव्स इन सर्वाइव इज कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ पे वो रहता है वो उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बास बोलते हैं. हैबिटेट मतलब बास, वास. और वो जहां पे रहता है रहने का योग्य होता है, ठीक है, और डेवलपिंग स्पेशल बॉडी फीचर्स इज कॉल्ड एडप्टेशन. और वहां जहां पे वो रहता है उसी का वो अनुरूप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडप्टेशन, मतलब अनुकूलन. मतलब हैबिटेट बता दो ये क्या होता है. पोलर बियर ले लीजिए, ध्रुवीय भालू. ध्रुवीय भालू कहाँ पे रहता है, जहाँ पे बर्फ बर्फ पड़ता है वो कहाँ, मतलब वो जगह कैसा होता है, पूरा साल भर बर्फ पड़ता है. और वो वहां पे जब रहने लग गया तो वहीं पे अनुकूल हो जाता है, रहने का अनुकूल हो जाता है और उसी तरह का वो हो जाता है. और उसका रंग भी क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है. क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है. यहाँ जो स्नो पड़ता है, बर्फ गिरता है, तो बर्फ क्या होता है, पूरा कलर उसको क्या होता है, व्हाइट हो जाता है, व्हाइट कलर बर्फ का. और जो भालू है वो भालू वो उसी का अनुकूल ढल जाता है, उसको वो सराउंडिंग को एडॉप्ट कर लेता है और वो क्या हो जाता है, वो भी व्हाइट हो जाता है. Based on the similarities and differences, animals have been divided into different groups or classes, which is called classification. Based on similarities, समानता के और भिन्नता के आधार में जानवरों को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसको बोलेंगे classification या वर्गीकरण. Animals can be divided into two broad groups. और जो जानवरों को दो बड़े भागों में बांटा गया है, पहला है इनवर्टिब्रेट्स, पहला है इनवर्टिब्रेट्स. और दूसरा है वर्टिब्रेट्स. क्या होता है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. हमें
कॉमेरुडनी जिसका हाइड्रेटिन और वर्टिब्रेट्स हो गया, मेरुदंडी जिसका मेरुदंड होता है वो मेरुदंडी हो गया, वर्टिब्रेट हो गया। तो इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन, उन लोग का बैकबोन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कीड़े हो गए, वॉर्म्स छोटे छोटे कीड़े हो गए और छोटे छोटे जानवर एक्सेट्रा। तो एनिमल्स विद बैकबोन, जिसका बैकबोन होता है रीढ़ का हड्डी होता है, जो कि हो गया फिश, मछली, मछलियां एम्फीबियंस जो उभयचर प्राणी होते हैं वो हो गया, रेप्टाइल्स सरीसृप इनका भी होता है, चिड़िया और मैमल्स स्तनपाई ये सब का क्या होता है, वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ का हड्डी होता है। और जो इनवर्टिब्रेट्स मतलब अमेरुदंडी, इन लोग इन सब का रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स आर सूटेड टू द हैबिटेट वेयर दे लिव। अब जो शरीर जानवर, शरीर ढकने वाले जानवर वो क्या होता है, उनका जहाँ पे वो रहते उसका अनुकूल उनका शरीर ढला हुआ होता है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, अलग अलग जानवरों का अलग अलग शरीर का जो ढकने वाला भाग होता है वो अलग अलग होता है। इंसेक्ट हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद टाइनी हार्ड स्केल्स। कीड़ों का जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हार्ड स्केल्स मतलब कठोर सल्क होते हैं, स्केल्स मतलब सल्क। फिशेस हैव ओवरलैपिंग स्केल्स इन रिवर्स इन रोज ऑन द बैक। मछली देखे हो, मछली क्या होता है, ऐसा होता है, ये आपका मछली हो गया, उनका स्केल्स ऐसा ऐसा होता है, एक के ऊपर ऐसा 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 होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। ये मछली था आपको समझाने के लिए सिर्फ। दिस फ्लेक्सिबल स्केल्स आर वाटरप्रूफ एंड हेल्प देम इन स्विमिंग। ये जो सल्क होता है ये वाटरप्रूफ मतलब फ्लेक्सिबल होता है मतलब लचकदार होता है, एंड हेल्प देम इन स्विमिंग और उनको तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और अब आते हैं चिड़िया। बर्ड्स हैव ऑन फेदर्स टू कीप देयर बॉडीज वार्म। चिड़ियों का अपना पंख होता है जो जिससे वो अपना बदन को गर्म रखते हैं। कंटोर फेदर्स हेल्प देम टू कवर द बॉडी एंड फाइट फ्लाइट फेदर्स टू फ्लाई इजिली। कंटोर मतलब होता है समोच्च पंख, कंटोर मतलब होता है समोच्च पंख। हेल्प देम टू कवर द बॉडी, इससे उन लोगों को शरीर को ढकने में मदद करती है। और फ्लाइट फेदर्स मतलब उड़ने वाले पंख, ये उनको उड़ने में आसानी से उड़ने में मदद करती है। जो कि उड़ने वाला पंख उन लोग का यहाँ पे रहता है हाथ में, और जो कंट्रोल फेदर्स होता है वो पूरा शरीर में ढका हुआ रहता है। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे सरीसृप। हैव ड्राई हार्ड स्केल्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। इन लोग का जो स्केल सल्क होता है सूखा और एकदम कठोर होता है, जिससे वो पानी प्रिवेंट मतलब बाहर आने से रोकता है। टॉर्टोइस हैज अ हार्ड शेल एज सो एज टू प्रोटेक्ट इट्स सॉफ्ट बॉडी। और जो कछुआ देखे हो उसका जो सल्क होता है वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। किस लिए मजबूत होता है, उसका अंदर का जो शरीर होता है वो बहुत कोमल होता है, उसी को रक्षा बचाने के लिए ये इसका जो सल्क होता है वो उसको मदद करती है। उसके बाद आता है मैमल्स। स्तनपाई हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद हेयर फर वूल और ब्रिस्टल्स टू कीप देम वार्म इन कोल्ड क्लाइमेट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन। तो मैमल्स जो स्तनपाई जानवर है उसका क्या होता है, जब शरीर में बाल होते हैं, फर छोटे छोटे रोए होते हैं, ब्रिस्टल छोटे छोटे बाल होते हैं, कीप देम वार्म, इससे क्या होता है ठंडी में उन लोग को गर्म रहने में मदद करती है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, और बारिश में बारिश से बचने के लिए उनको मदद करती है। मूवमेंट्स इन एनिमल, जानवर कैसे चलते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर शेल्टर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। जानवर यहाँ से वहां क्यों चलते हैं, खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए,
आश्रय या पनाह ढूंढने के लिए है, आल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, साथ ही साथ अपने दुश्मनों से बचने के लिए जानवर यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर देयर मूवमेंट, हर अलग जानवरों का अलग अलग चलने का अंग होता है। रेप्टाइल्स सरीसृप लाइक लिजर्ड क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइस हैव फोर शॉर्ट लेग्स टू मूव। जो लिजर्ड छिपकली देखे हो, मगरमच्छ देखे हो, कछुआ देखे हो, उन लोग का चार छोटे छोटे पैर होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, चलते हैं। दे क्रॉल ऑन देयर बेलीज, वो अपना पेट के बल चलते हैं। टर्टल हैव फोर लिम्स व्हिच एक्ट एज पैडल्स टू स्विम, और जो कछुआ होता है उसका चार हाथ होता है उससे क्या करता है, वो पानी में तैरता है। Snake have scales on the underside of their bodies to move in a curvilinear fashion on the ground while crawling. इसके सांप देखे हो, सांप का क्या होता है? सांप का क्या होता है? उसका भी पेट का नीचे देखना सल्क होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है? कर्विलिनियर मतलब बकरिया तरीके से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है कि नहीं चलता है, तब उस चलने में वो सर उसको मदद करती है। स्नेक कैन मूव इजीली रफ सरफेस बट नॉट स्मूथ वंस, और जो सांप है वो जब चलता है वो रफ सरफेस मतलब कठोर जो सतह होता है उसमें वो आसानी से चल पाता है, लेकिन जब स्मूथ मतलब चिकना सतह होता है वहां पे वो चल नहीं पाता है। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर, लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स हॉप ऑन द ग्राउंड विथ पावरफुल थिन लेग्स। अब क्या होता है, उभयचर प्राणी जैसे कि मेंढक हो गया, वो क्या करता है, वो फुदकता है कि नहीं फुदकता है, कैसे फुदकता है, वो पीछे का जो पैर होता है उसकी मदद से वो फुदकता है। दे ऑल्सो हैव वेट फीट दैट हेल्प टू स्विम, और उनका जो पांव होता है उसमें उसका पंजा जैसा होता है, वेब जाल जालीदार होता है, ऐसा जालीदार पंजा होता है जिससे पानी में उन लोग को चलने में मदद मिलती है, तैरने में मदद मिलती है। सॉरी इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स टू मूव क्राउल वॉक और हॉप, और जो कीड़े होते हैं उन लोग को चलने के लिए फुदकने के लिए रेंगने के लिए छह पैर होता है। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज हनीबीज मस्किटोज एंड ड्रैगन फ्लाइज कैन फ्लाई विथ वन पेयर ऑफ विंग्स ईच, और कोई कोई जानवर सॉरी कीड़े जो कि तितली हो गया, मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब का क्या होता है, छह पैर तो होते हैं साथ में दो पंख भी होता है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। बर्ड्स हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स टू मेक देयर बॉडी लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट। अब जो चिड़िया का जो हड्डियां होती वो हड्डियां हॉलो होती मतलब ऐसा अंदर से खोखला होता है जिसके वजह से क्या होता है, उन लोग का वेट जो वजन होता है वो कम होता है, और उसी वजन कम होने की वजह से उन लोग आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू पावरफुल मसल्स टू इच टू हेल्प देम टू फ्लाई, और उन लोग का दो मजबूत पंख होता है मांसपेशियों में से जुड़ा हुआ जिसकी वजह से वो आसानी से आकाश में या कहीं भी उड़ सकते हैं। They use their legs to move, walk or hop. और उनका पैर भी होता है, उनका पैर वो किस लिए यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, चलने में, फुदकने में, है ना। तो mammals have two front legs called forelegs. अब जो स्तनपायी होता है उनका दो पैर होता है, and two back legs called hind legs. आगे दो होता है, पीछे दो होता है। They use their limbs to walk, run, hop or swim. वो इसको क्या करता है, किस लिए प्रयोग करता है, चलने में, दौड़ने में, फुदकने में और तैरने में। हम लोग हाथ क्या करते हैं, तैरने में यूज करते हैं, पैर किस लिए यूज करते हैं, चलने में यूज करते हैं, फुदकने में यूज करते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स
हैव लेग्स एंड फीट टू स्टैंड वॉक एंड रन। अब हम लोग का जो पैर होता है वो किस लिए यूज होता है, चलने में और दौड़ने में। देयर लेग्स ऑल्सो सपोर्ट देयर बॉडी वेट, और उसका जो पैर होता है वो किस में मदद करता है, शरीर का वजन संभालने में भी उसका मदद करता है। ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल, श्वसन अंग जानवरों में क्या होता है, ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। हर जानवर ऑक्सीजन लेता है कुछ काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए, है ना। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन, तो हर जानवर का एक ही श्वसन अंग नहीं रहता है, हर जानवर का अलग अलग श्वसन अंग रहता है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरिकल्स। और कीड़े कैसे सांस लेते हैं, उनका शरीर में बहुत छोटे 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 छेद होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल, वायुमार्ग प्रेजेंट अलॉन्ग देयर साइड्स ऑफ देयर बॉडी। उन लोग का शरीर का बाहरी से इस तरफ के हिस्से में छोटे 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 छेद होता है जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिशेस ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। अब फिशेस क्या करता है, अपना जो कान का पीछे जो गिल्स रहता है ऑक्सीजन लेता है, पानी में उसको डिजॉल्व करता है। The gills take in oxygen and give out oxygen. उसके बाद उसका जो gills होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और उसके बदा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। Amphibians, उभयचर breathe through their moist skin in water and through lungs on land. अब जो उभयचर प्राणी होता है वो पानी में अपना त्वचा से सांस लेते हैं पानी के अंदर, और जब पानी के बाहर आ जाता है तो अपना फेफड़ों की मदद से वो सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जो सरीसृप होता है वो अपना फेफड़ों के मदद से सांस लेते हैं। बर्ड्स हैव लाइफ होल्स ऑन अपर बीक थ्रू विच दे इनहेल एयर दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब चिड़िया कैसे सांस लेते हैं, उनका जो बीक चोंच होता है, चोंच के ऊपर दो छोटे छोटे छेद होता है, जैसे कि हम लोग का नाक है, लेकिन हम लोग का चोंच के ऊपर तो छोटे छोटे छेद होता है जिससे वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। और चिड़िया भी फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। मैमल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जो स्तनपायी होते हैं वो भी अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। The air enters through the nose, goes into windpipe and then enters into lungs. तो हवा क्या होता है, पहले नाक से होते हुए सांस की नली में जाता है, उसके बाद वो फेफड़ा में पहुंच जाता है। The exchange of gases take place in the lung. तो जो गैस का एक्सचेंज बदलाव होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारे फेफड़ों में होता है। Whales and dolphins are mammals which breathe through lungs. अब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, जो कि ये भी स्तनपायी है, मैमल्स, ये एक बड़ा समझ ली व्हेल हो गया, एक दूसरा डॉल्फिन हो गया, ये भी अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेता है। दे रेगुलरली कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल एंड एक्सहेल एयर। तो वो थोड़े थोड़े टाइम में क्या करते हैं, पानी के ऊपर आते हैं और सांस लेते भी है और सांस छोड़ते भी है। इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब होता है सांस छोड़ना। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, खाने जानवर का खाना कैसे खाते, ऑल एनिमल्स एट फूड टू ग्रो, ईट फूड टू ग्रो, ईट गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। हर जानवर खाना किस लिए खाता है, अपना विकास करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर को और स्वस्थ रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फूड ईटन बाय देम। अब हर अलग जानवर का अलग अलग मुंह का जो हिस्सा होता है, ठीक है, पहले हो गया हार्बिवर्स हैव शार्प इंसिजर्स टीथ टू बाइट प्लांट्स एंड फ्लैट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स टू च्यू प्लांट्स पार्ट्स। तो क्या होता है,
हरी बोर्ड जो शाकाहारी जानवर होता है उन लोग का जो कृतक दांत होता है इंसीजर्स, वो क्या होता है प्लांट्स को बाइट करने चबा टुकड़ा करने के लिए काटने के लिए एंड फ्लैट फ्लैट प्रीमोलर एंड मोलर्स टू च्यू द प्लांट्स। उसके बाद जो चबाने वाला दांत होता है वो उसका चबाने वाला दांत अंदरी हिस्सा में होता है। दे डू नॉट हैव कैनीज, इन लोग का कैनीज नहीं होता है। दे डोंट नीड देम आइदर, इन लोग का कैनीज क्यों नहीं होता है क्योंकि ये दूसरे जानवर का शिकार नहीं करते, इस लोग का इन लोग का कैनीज नहीं होता है। मतलब कैनीज मांसाहारी जानवरों के पास होता है, जो कैनीज दांत होता है वो मांसाहारी जानवरों के पास सिर्फ होता है, हार्बीवर के पास नहीं होता है। कार्निवोरस हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कैनीज टू टियर फ्लैश, जो मांसाहारी जानवर होता है इन लोगों का वेरी शार्प बहुत धारदार दांत नुकीला दांत होता है, इसलिए मांस को टुकड़ा करने के लिए। दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड प्रीमोलर्स, आगे का दांत बहुत बड़ा होता है, फ्लैट चौड़ा होता है। एंड मोलर्स टू क्रश बोन्स एंड च्यू फ्लैश, इसके वजह से वो क्या करते हैं इसकी मदद से जो मीट होता है मांस होता है उसको चबाते हैं। प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प हुक्ड बीक्स एंड शार्प क्लॉज टू कैच टियर एंड टियर फ्लैश। अब प्रेइंग बर्ड्स मतलब प्रेइंग मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने वाले चिड़िया जैसे ईगल्स हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, बहुत सारे ऐसे चिड़िया है जो दूसरे का शिकार करते हैं, उनका जो बीक्स चोंच होता है ऐसा हुक जैसा होता है, बहुत नुकीला होता है। एंड शार्प क्लॉज, और उसका पंजा होता है बहुत धारदार नुकीला होता है, उससे क्या करता है वो शिकार को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको फाड़ने में उसका मदद करती है। अब ओमनिवोरस जो सर्वाहारी है बोथ इंसीजर एंड कैनिस, सर्वाहारी का इंसीजर दांत भी होता है जो कि हर्बीवोर में पाया जाता है और कैनिस दांत जो कि कार्निवोरस या कि मांसाहारी जानवर में पाया जाता है। दोनों दांत किसमें होता है ओमनिवोरस जो सर्वाहारी उसके पास रहता है। एलोंग विद ब्रॉड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, साथ साथ में बहुत बड़ा बड़ा चबाने वाला दांत भी रहता है, जैसे मोलर्स प्रीमोलर्स ये वगैरह दांत। रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव शार्प इंसीजर्स टू निबल इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। अब तो रोडेंट्स चूहे जैसा होता है, इसका जो इंसीजर्स होता है वो बहुत शार्प होता है, इससे क्या करता है वो निबल मतलब फ्रूट फलों को कुतरता है। माइग्रेशन अंत में आता है, माइग्रेशन मतलब प्रवास करना। इज द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड ऑफ माइल फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब मास मूवमेंट मतलब बहुत भारी मात्रा में ये लोग क्या करता है चिड़िया जानवर एक जगह से दूसरी जगह हजारों मील पार करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को अवॉइड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब बचने के लिए कठिन चरम जो तापमान आता है कभी कभी आ जाता है बहुत ठंड हो जाता है, तो वो जानवर क्या करते हैं गर्मी की ओर चले आते हैं, फिर जब वो गर्मी वाला जगह में ठंडी पड़े तो वहां से फिर वापस जहां से आए वहां चले जाते, इसको बोलते हैं माइग्रेशन प्रवास करना। एनिमल ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर टू ब्रीड स्केप हैरस हर्स क्लाइमेट एंड टू फूड फाइंड फूड एंड शेल्टर, जानवर जब यहाँ यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं बहुत लंबी दूरी का यात्रा करते हैं, जब यात्रा करते हैं तो वो क्या करते हैं खाना ढूंढ रहे आश्रय लेते पना लेते जगह जगह पे। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस व्हेन द वेदर बिकम्स फेवरेबल फॉर सर्वाइवल, और अंत में वो अपना जो वापस जहाँ जिस जगह को छोड़ के गए थे वहाँ पे वो लोग फिर आ जाते हैं। कब आ जाता है जब वहाँ फिर वापस रहने लायक मौसम हो जाता है तब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास, मतलब किसी एक जगह का कंडीशन क्या हो गया बहुत बुरा मौसम हो गया रहने के लिए बहुत बुरा मौसम हो गया तो क्या करते हैं लोग क्या करते हैं लोग नहीं जानवर क्या करते हैं वहाँ से पलायन करते हैं थोड़े दिनों के लिए थोड़े महीनों के लिए वहाँ से पलायन करते हैं और फिर जब उसी जगह में रहने लायक मौसम हो जाता है तो वापस वो लोग
लौट के वहीं पे आ जाते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर सेकंड वेरिंग लाइफस्टाइल इन एनिमल्स भी यहीं पे खत्म हो गया। तो चैप्टर इज फिनिश्ड। तो नेक्स्ट विल मीट नेक्स्ट मीटिंग ऑन चैप्टर थर्ड व्हिच नेम इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जानवर और पौधों में एक ऊपर कितना निर्भरशील रहता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये चैप्टर जो दो मैंने पढ़ाया है वेरिंग इन लाइफस्टाइल इन एनिमल्स, इसको थोड़ा समझिएगा। जो नहीं समझे वापस में आपको क्लास में फिर मिलने वाले हम लोग फिर दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।